हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग पटना के पास ही है। अगर बिहार के आदमी बाहर स्टेट में जाता है काम करने तो मरता हुआ, पर कि बिहारी है। कोई भी सरकार कंपनी में नहीं है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री क्या किया, इको पार्क बनाया करने के लिए। कंपनी में कोई नहीं करिएगा, बोलो जोर से सर। हमको दैनिक मजदूरी निगम वाला चाहिए सरकारी, बस अथा चाहिए। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। अभी हम पटना के मौर्या लोक में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये लोग दरअसल बिहार सरकार के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें इस नगर निगम के दैनिक कर्मचारियों को हटाने की पेशकश की गई है। इसी को लेकर यहाँ महिलाएं और पुरुष हड़ताल कर रहे हैं जो निगम से पहले जुड़े हुए थे। पटना में साफ सफाई का देख रेख कर रहे थे उन लोग यहाँ पे हड़ताल पे मौजूद हैं। और उन लोगों से जिसे लेकर पटना के अलग अलग इलाकों में आप कूड़े का अंबार देखने को मिल सकता है। आप देखे होंगे कई जगह चौक चौराहों पर कूड़े मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ मौजूद हैं और क्या ये प्रोटेस्ट का सही तरीका उनके हिसाब से है या नहीं है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, मतलब किस लिए बैठे आए हैं? अपने रोजगार के लिए। यहाँ पे हम लोग को हटाया जा रहा है, 10-15 साल से काम कर रहे हैं, अब क्यों हटाया जा रहा है? कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम तो, मेरा तो 3 साल हो गया, इनका 10 साल है, 15 साल है, 6 साल है। कि हम लोग 10 साल से देख 2007 से कर रहे हैं काम, आ 2007 से काम कर, अभी एक बार लागू कर दिया कि हम लोग के हटाया जाए तो पेट पर तो लात मार दिया सरकार, तो अपना हक के लिए ये सब हम लोग ठाड़ी है। ऐसा शहर के अलग अलग इलाकों में कूड़ा फैलाया जा रहा है। हाँ, तो जब तक मांग नहीं देगी सरकार, जब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। ये सही है। हाँ, सही है। जब तक मांग नहीं पूरी करेंगे तब तक कैसी रहेगा निगम कर्मचारी? तो मान लीजिए ऐसा हो कि एक दिन के लिए डॉक्टर हड़ताल पे चला जाए और आपका उस दिन तबीयत खराब हो जाए, तो फिर कैसे हो? एक दिन का बात नहीं ना है, ये तो हम लोग का हटा रहा है ना, पेट पर लात मार रहा है ना। एक दिन का बात रहा तो चलो भाई, एक दिन तुम स्पेटरो जिम्मेदार, हम लोग भी छुट्टी मार लेते। एक दिन का ना है, सब दिन का है। कितना इसमें आदमी मर गया, कितना रिटायर हो गया, कितना अपना पूरा जवानी इसमें मतलब यथी कर दिया, फिर भी मतलब यथी नहीं हुआ। अब एक बार कानून निकाल दिया है कि लोग के हटाया जाए, तो बताइए हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? क्या आपके परिवार में और लोग क्या करते हैं? मेरे परिवार में तो हस्बैंड डेथ हुए, हम भी एक हैं, बाल बच्चा 4 गो है, उस यही रोजगार करके काम धंधा करके नगर निगम से बाल बच्चा को पोसते, किराया देते हैं और पेट चलाते हैं, तो पेट पर तो लात मारिए। ये सही है कि मतलब शहर में कूड़ा फैलाना आप लोग के हिसाब से सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन जब सरकार को ये लग रहा है कि ये सही है तो सही है। अब जब सरकार खुद कहे कि नहीं ये लोग गलत हो रहा है, पेट पर लात मारा रहा है, तो चलो ये लोग के हक दिया जाए, तो हम लोग आज से ड्यूटी चालू कर देंगे, आज से कर देंगे। जब मेरा मांग दे देगा तो हम अपना करना है कर देंगे। वो लोग भी तो अड़ा हुआ है, वो लोग तो बोल सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम कुछ दूसरा और कड़ा डिसीजन लेंगे आप लोग के खिलाफ, और आप लोग मतलब कुछ लोग के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। तो इस तरह के कानूनी कार्यवाही और भी ज्यादा हो सकती है, तो आप लोग दूसरे तरीके से इसके खिलाफ नहीं प्रदर्शन करते? देखिए, हम लोग से तो जीते नेता, जीते मंत्री, जीते, जब हम ही लोग से ज्यादा वो कार्रवाई कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा हम लोग कार्रवाई करेंगे। काहे कि हम पूरी जनता एक है ना भाई, बस एकता बनाना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो है कूड़ा फैलाने से बहुत तरह का बीमारी आज फैला हुआ है देश दुनिया में, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके का बीमारी, इससे कोई महामारी फैलती है, लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा फिर? इसके लिए सरकार होगा। इसके लिए तो हम लोग कर्मचारी नहीं ना होंगे, इसके लिए सरकार होगा। अभी भी सरकार हम लोग के मांग दे दीजिएगा तो हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, नहीं देगा तो नहीं तोड़ेंगे। मान लीजिए जिस कंपनी को दिया जाएगा काम, वो कंपनी आप लोग नहीं, कंपनी में तो कंपनी में कोई नहीं करिएगा भाई, बोलो जोर से सर। हमको दैनिक मजदूरी निगम वाला चाहिए सरकारी, बस अथा चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है अगर वो कंपनी के थ्रू आप लोग? उसमें दिक्कत ये है कि 5 महीना पर तनख्वाह मिलता है तो 4,000, 3,000, 4,000 इस तरह से घर नहीं चाहिए। कोई अगर उसमें पैसे 4,000, 5,000 देगा तो 5,000 किराया देगा तो आदमी रेंट में रह रहा है, तो कहाँ से? प्राइवेट में है, कब हटा देगा कोई?
अथी नहीं है, इसलिए सरकारी का तो एक वैल्यू रहता है ना कि चलो भाई सरकारी हो जाएगा तो हम मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा क्या होगा, भविष्य निधि इसीलिए ना कहता है, अब प्राइवेट कर देगा तो इसका कोई अथी नहीं है, इसलिए हमको चाहिए सरकारी। इसीलिए जब तक सरकार आप लोग कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से? जब तक सर मांग नहीं पूरा होगा, जब तक मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपना हड़ताल तोड़। अभी 2 दिन पहले ना हुआ कि यहाँ के हटा दो, हम लोग मांग के लिए लड़ रहे हैं, हटा दिए तो कहाँ है अभी कोई सुनवाई हो रहा है, तो नहीं करेंगे तो यहाँ चम्बड़ में जाके फेंक देंगे, रोड पर पूरा कचरा फराया हुआ है, रोड पर जाके देखिए, जब तक मांग नहीं देंगे तो जब तक हम लोग अटल रहेंगे। मान लीजिए कुछ सरकार कड़ा कदम लेती है, यहाँ से सबको हटा देती है, तो फिर क्या करेंगे? रोड पर जाएंगे, सरकार को जो मर्जी है कर दे, हम लोग का जो अपना एथी है जो करेंगे। तो यहाँ बैठने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, दूसरा काम भी आप कर सकते थे इस बीच में? नहीं, शुरू से नगर निगम में घुसे, दूसरा से कहाँ से कर रहे हैं। जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ तो कोई कमाई नहीं हो रही है? नहीं, यहाँ कमाई नहीं हो रहा है, लेकिन अपना हक के लिए यहाँ बैठे हुए है ना, भूखे प्यासे सवेरे मतलब 8-9 बजे से आके यहाँ 7 बजे कल गए, परसों 10-9 बजे रात में गए, तो हक के लिए ना अपना हक के लिए बैठ रहे, ठीक है, कमाई नहीं हो रहा है। 2007 से सात से जोड़ता हूँ। मान लीजिए कि 1-2 महीने ऐसे ही बीत गया, कुछ नहीं किया, तो 2 महीने तो आपका नुकसान हो जाएगा। अभी तो मीटिंग में गए हैं, देखिए क्या हुआ, तो नहीं 2 साल 2 महीना 6 महीना और सही, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सब तैयार हैं, तैयार हैं। आपका लीडर कौन है यहाँ पे, कौन आप लोग को? चंद्रप्रकाश जी है, नंदकिशोर जी है, और क्या बोलते हैं नेताजी के, रामचंद्र जी, ये सब मेरा सपोर्ट में है, और पार्षद भी है, मतलब सभी वार्ड का सब एथी है, मेयर है, सब हम लोग का सपोर्ट में है, ऐसे नहीं कि हम लोग अकेले आके यहाँ बैठे हुए, नहीं, मेयर भी है, कल भी आए हुए थे, परसों भी आए हुए थे, उनके बेटा भी आए थे, अपने भी आई हुई थी, तो सब अपना बोल कोर्ट से भी हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये सब मेयर ये सब अगर छोड़ दे तो मेयर छोड़ दे, मेयर कैसे छोड़ देंगे, अगर मेयर भी साथ छोड़ देंगे तो हम लोग लड़ेंगे, इतना जनता है का, इतना भाई बहन है का के लिए हम लोग लड़ेंगे। कितने लोग होंगे आप लोग टोटल? लगभग 4500 है पूरा पटना नगर निगम पटना में, पटना में सिर्फ, ऐसे पूरा बिहार में 1 लाख है, 1 लाख से अधिक है। सिर्फ ये पटना में हो रहा है या फिर बिहार के? पूरा बिहार में, बिहार में जी, यहाँ के लोग बाहर से भी आए हुए हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग पटना के ही हैं वासी, बाहर वाले लोग, बाहर वाले अपने अपने अंचल अपने अपने जिला में सब प्रदर्शन इसी तरह कर रहे हैं, वहाँ भी इस तरह से जी जी, बिहार के अलग अलग जी, तो कोई भी अपन बाहर से जो भी प्राइवेट कंपनी जो आएगी और जो भी लेबर आएगा करने के लिए यहाँ पे, हम उसको करने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा पेट पे कोई भी लात मारेगा तो हम उसके लिए जेल जाना हो या उसके जो भी गलत से गलत कदम उठाने पड़े तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। करते क्या है बेसिकली, मतलब नगर निगम के क्या? हम झाड़ू मारते हैं। कहाँ पे? मैं 12 नंबर वार्ड का कर्मचारी हूँ जी। तो वहाँ पे अभी क्या हालत है? वहाँ पे अभी कूड़ा फैला हुआ है चारों जी, चारों पट्टी कूड़ा फैला हुआ है, नाली बह रही है, आदमी वहाँ के अस्त व्यस्त भी हैं। तो मतलब ये अभी जो है सारे इलाकों में कौन फैला कौन रहा है, आप ही लोगों के बीच से सब लोग जा रहे हैं? जी नहीं, ये सब पब्लिक का कूड़ा है, हम लोग का नगर निगम कर्मचारी तो सब हर थाना छोड़े हैं जी, बस वही पब्लिक का कूड़ा फैला हुआ है, हम लोग उठाने के लिए बंद किए हुए, सफाई नहीं कर रहे, इसी कारण पटना में कूड़ा फैला हुआ है, इसका दोषी बिहार सरकार है, ये इनकी नहीं कि निगम दैनिक कर्मचारी है। नहीं, जैसे बोला जा रहा है वहाँ कहीं कहीं मरे हुए जानवर फेंक दिए जी, नहीं ये सब गलत है, गाय गाय है, कुत्ता है, गाय है, कुत्ता है, रोड पर चल रहा है, एक्सीडेंट करके मर गया, जहरीला घास खा लिया, रोड पर मर गया, तो हम लोग तो हड़ताल पर तो उठाएंगे कैसे उसको, तो नहीं उठ रहा, इसी कारण गंदगी हो रहा है, इसी कारण निगम के स्टाफ कोई नहीं फैला रहा, ये सिर्फ अपने आपस का, जहाँ जो कुछ मर रहा है तो हम लोग उठा देते, किसी तरह का दिक्कत हो जाता था हम लोग को फोन आता था ऑफिस से, चाहे वार्ड काउंसलर करते थे, चाहे ऑफिस से SI भी बोलते थे, तो हम लोग जाते थे, कूड़ा उठवाते थे, गाय उठवा लेते थे, मरता था, इसीलिए नहीं दिखाई देता था, अभी हम लोग नहीं उठा रहे, इसलिए पटना में आपका कूड़ा दिख रहा है। सिर्फ मेरा बस एक ही सवाल है, इस कंडीशन में अगर महामारी टाइप का कोई सिचुएशन आ जाता है तो बताइए क्या, मतलब आप लोग को जी
हमारी आएगी तो इसका दोषी बिहार सरकार और नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री है। महामारी आएगी तो इसके लिए अपना हक मारना छोड़ देना, अलग से लोगों को रख लिया जाए, बेरोजगारी आपको पता है कि बहुत सारी। मेरा बात सुन लीजिए भैया, अगर हम लोग को हटा कर अगर बाहर से आदमी लाता तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग पटना के पास ही है। अगर बिहार के आदमी बाहर स्टेट में जाता है काम करने तो मरता हुआ, पर बिहारी है। बिहार सरकार हमको रोजगार भी नहीं दे रहा, अदर स्टेट में जा रहे हैं कमाने तो वहाँ से मार के अदर स्टेट के सरकार से भगवा रहा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे? बाल बच्चा को लेंगे? किसी का बेटी ब्याह करने के लिए हो गया 18 साल, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 9,000 पर हम लोग काम कर रहे थे, 9,000 से ज्यादा कोई नहीं ले रहा, कंपनी वाला 6,000 देगा, 3,000 देगा, उससे हम लोग क्या करेंगे? अदर स्टेट में हम लोग काम करने जाते तो मारता है। आप लोग को भी मालूम है कि बिहारी लोग का पिटता है। अब बताइए कि इसमें हम 9,000 पर इतना मना 4500 आदमी पूरा बिहार पटना का हम लोग काम कर रहे हैं, 9,000 आदमी के पीछे समझिए कि कितना आदमी बेरोजगार हुआ, कितना का बाल बच्चा का पेट पर फाइ चला, इसके लेकर कितने लोग अपना बेटी को ब्याह कर लिया इसी पर कर्जा लेकर, अब वो कर्जा कहाँ से भरेगा? कोई काम तो अभी तत्काल पटना में है हमको तो बताइए, कोई बिहार सरकार नीतीश कुमार का ही कंपनी बैठाई है बिहार में? कोई भी सरकार कंपनी बैठाई है? बिहार सरकार मुख्यमंत्री क्या किया? इको पार्क बनाया करने के लिए, चिल्ड्रेन पार्क बनाया, चिल्ड्रेन पार्क बनाया है तो खाली पार्क पर ध्यान है, म्यूजियम पर ध्यान है? अगर म्यूजियम के जगह पर एक कंपनी बैठा देती बिहार सरकार तो हम लोग को हटा भी देता तो एक रोजगार मिल जाता, मिलता कि नहीं? मगर आज हम लोग को रोजगार से भी मार रहा है, अदर स्टेट में काम करने जाते तो बिहारी के नाम पर मार के भगाया जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे आप लोग बताइए? अच्छा, अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं जी, आप लोग अगर नीतीश सरकार मान लेती है तो उनके साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? हम लोग तो सब दिन साथ हैं, नीतीश के दिन सबके दिन। देखिए आज दारू बंद कर दिया, दारू में भी बहुत सा भर्ती में कितने लोग चखना बेच के चूरा बेच के अपना बाल बच्चा का रोजी रोटी पालता था, वो भी बंद कर दिया, उससे ज्यादा अब दारू के भट्टी खुल गया, हर घर में दारू, हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, दारू बंद कहाँ हुआ? जीवन हरियाली, जीवन हरियाली क्या है मुख्यमंत्री को? जब हम लोग भूखे मर रहे हैं तो बिहार के लोग हरियाली कहाँ है? भूखे प्यासे हम लोग बैठे हुए आज 4 दिन से, कोई भी नेता नहीं आ रहा सुनने के लिए हम लोग को फरमाए कि कैसे है, नहीं है, पानी का व्यवस्था है कि नहीं है, कैसे क्या कर। दूसरे नेता भी नहीं आ रहे, तेजस्वी यादव नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव जब कोई विपक्षी का हम लोग के पास नेता नहीं आ रहे हैं। गए आप लोग उन लोग के पास जी? हम लोग का न्यूज जा रहा है तो मुख्यमंत्री को, तेजस्वी यादव के, चाहे तेज प्रताप को, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, और सभी मंत्री विपक्षी दल के, उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा? पेपर में न्यूज छप रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने बिहारी के साथ दें? साथ निगम के कर्मी थे, करीब 4500 परिवारों की रोजी रोटी का, उनके दैनिक जीवन का सवाल है जो इसके लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इस पे एक जो उचित फैसला हो वही ले और इन लोगों के परिवार का भी एक ख्याल रखे।